क्या यार, क्यों बात कर रही हो? फोन काट दो। किसी भी लड़की से बात करने वाले आते। हाँ बोलिए, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज का जो प्रैंक जो मैं करने वाला हूँ, वो प्रैंक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कि आप ये मत कहना कि ये प्रैंक दोबारा कर रहा है, क्योंकि जो रोमांटिक कॉल प्रैंक था वो रात को सोते में किया था और ये जागते में करूँगा, पर ये रोमांटिक कॉल प्रैंक नहीं है, ये फ्लर्टिंग होगा। मैं बीमा एजेंट जो कि होगी फीमेल, उसका फ़ोन आएगा और मैं उससे फ्लर्टिंग करने लग जाऊंगा, और बाकायदा जब रंजना कमरे में आ जाएगी मैं तब ही फ़ोन मतलब कॉल आने की एक्टिंग करूंगा। कॉल आने की एक्टिंग क्या करूंगा, फ़ोन किसी का आएगा नहीं, वो मैं बात करने की सिर्फ मैं एक्टिंग करूंगा और सिर्फ रिंगटोन पे जाके रिंगटोन को ऑन कर दूंगा, जिससे कि उसको लगेगा कि हाँ भाई फ़ोन आया है। बस यहीं से प्रैंक स्टार्ट होगा और दबा के जानबूझ के रंजना के सामने बीमा एजेंट के साथ फ्लर्टिंग करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करो, क्योंकि जब तक आप हर सीन और हर डायलॉग नहीं सुनोगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं वेट करता हूँ रंजना के आने का। ठीक है, जब रंजना आएगी तो मैं इस रिंग टोन को ऑन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए। यार पता नहीं क्यों नींद आ रही है। सुबह सुबह सोने का मन कर रहा है मेरा। सुबह उठ जाओ तो उसके बाद 2 घंटे तक तुम सुस्ती कराती रहती है। अब सुबह के 9 बज रहे हैं तो तुम्हें दोबारा से नींद आ रही है। तो यार ये किसका फोन है? हेलो, हाँ जी मैं नवीन बोल रहा हूँ। अच्छा, LIC। हाँ, नवीन बोल रहा हूँ मैं, आप LIC एजेंट बोल रही हैं? LIC ऑफिस से? अच्छा, एजेंट नहीं, ऑफिस से ही बोल रही हैं। अच्छा हाँ हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ, आराम से बात कर सकता हूँ, काफ़ी देर तक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बस अपना नाम बता दीजिए। रेशमा। अच्छा, रेशमा गुप्ता, बहुत अच्छा नाम है। मैंने कोई पॉलिसी वगैरह ले नहीं रखी है, पर फिर भी ये है कि जब मेरी छोटी सी पॉलिसी थी तो वो पूरी हो चुकी है शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, पर हाँ ये है कि ले लेंगे पॉलिसी। हाँ मैं अनमैरिड हूँ। मैं अनमैरिड हूँ, मैं बता दीजिए आप अपने अपने फंड वगैरह के प्लान्स के बारे में बता दीजिए, कैसे फंड है, क्या चीज़ है। अरे क्या यार, क्यों बात कर रही हो? फोन काट दो। आता रहता है ऐसे तो फोन। कोई नहीं है रेशमा जी, वो मेरी काम वाली है, वो कुछ साफ वो पूछ रही। काम वाली है वो मेरी, वो पूछ रही है साहब जी, मैं ये काम हाँ, मैं 1 मिनट उसको बता दूँ कौन कौन से बर्तन मतलब कहाँ रखे हैं गंदे बर्तन, 1 मिनट में बता के आ रहा हूँ। हेलो, हाँ रेशमा जी बोलिए, अपने प्लान्स के बारे में बता दीजिए। देखिए फ़ोन पर बता दीजिए, अगर आप घर पे आना चाहती हैं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे आ जाइए, मेरे को घर पे आके भी अपने फंड्स के बारे में और म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में बता सकती हैं। ठीक है, नहीं कटेगा फोन, बात करने दो। हेलो, हाँ रेशमा जी
बोलिए बोलिए बोलिए, आप अपने बात प्लान्स बताते जाइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। बड़े हरामी हो बेटा। फोन काटो, तुम क्या ये फालतू में बात कर जा रहे हो? इतनी देर से देख ली, पता नहीं क्या तू फालतू काम बात कर जा रहे हो। अरे उनका तो काम है, वो तो फोन करते रहते हैं। फोन काटो पहले। अरे रेशमा जी, वो कुछ नहीं है, वो ऐसा है, वो काम वाली है ना, तो वो झाड़ू लगा रही है, उसके ऊपर ना छिपकली गिर गई है, तो वो इधर उधर चिल्ला रही है वो। अरे ये काम वाली है ना, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है। छिपकली नहीं है, छिपकला है, इतना बड़ा छिपकला। काट दो फोन, मेरा दिमाग खराब हो रहा, देख लेना फिर। आप अपने प्लान्स बताइए। हाँ जी, तो पहला प्लान्स ये है। अच्छा, इस तरीके से इसमें। अच्छा, मेरे को ना प्लान्स कुछ अच्छे तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं। आप जैसे कि वॉइस ओवर मतलब बोल रहे हो ना, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास राइटिंग में हो, रिटिन में हो। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, आप आ जाइए, घर पे आ जाइए, और जो फाइल्स वगैरह होती है ना, फाइल्स वगैरह में, हाँ अपनी जो फाइल्स वगैरह लेके आते हैं वो भी लेके आना, आज शाम को 5 बजे आ जाइए। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। बिल्कुल रेडी। कोई नहीं आएगा मेरे घर में, फोन काटो। ठीक है बाय। बड़ी अच्छी आवाज लग रही है तुम, शर्म नहीं आती तुमको? जिसको भी फोन में बात करने बैठे होते हैं। रेशमा बहुत अच्छी आवाज लग रही है तुम्हारी। क्या है कि हसमी क्या कहते हैं, ऐसे कौन बात करता है? किसी भी लड़की से बात करने बैठे होते हैं, हाँ बोलिए बहुत अच्छी आवाज है आपकी, ऐसे बात करते हैं? बीबी के सामने शर्म आती है? नहीं। किस लड़की से? मतलब कि उसका, उनका तो काम है फोन करना, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा उसकी पुच्ची ले ली है। तुम क्या पकड़ाए जा रहे थे? नहीं, मैंने कहा उसकी पुच्ची ले ली है। पुच्ची लो तुम्हारे जो होटल ने, ये नहीं नोच लूंगी मैं। हाँ, जो बड़बड़ कर जा रही है, तू ये अपना जो मुँह है ये खाने के लिए रख ले, जे अपने मुँह को खाने के लिए रख ले। मैं खाना इसी से खाती हूँ, ठीक है? एक फोन आया नहीं कि दिल लगी करने। रेशमे देखे बात अच्छी है भाई। यार तुम अजीब हो बिल्कुल। काम वाली हो? तो जब मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं अनमैरिड हूँ, तो मैंने उससे शादी कर ली है क्या? क्या? अरे झूठ क्यों बोला तुमने? झूठ इसीलिए बोला पागल, उनके जो प्लान्स होते हैं मैरिड के लिए अलग बताते हैं, अनमैरिड के लिए अलग बताते हैं, तुम यही तो नहीं जानती हो। चल झूठा, जब वहां पे कोई काम नहीं है तुम्हें, तो फालतू की बात तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम सीधे फोन काट देते कि नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं भी बिजी। तुम क्यों फालतू की बात कर रहे थे उससे? क्यों फालतू की बात कर रहे थे उस लड़की से? बुरा मजा आया तुम्हें बात करने में? एक चीज बताओ, अगर फोन पर बात करने में मजा आने, मैंने ऐसे क्या कर दिया? मैंने मुझे काम वाली क्यों बोला? तो कान पर खड़े होकर चिल्ला होगी, तो वो ये नहीं सोचेगी कि क्या बदतमीजी है, कोई आदमी फोन पर बात कर रहा है, कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। है? तुम बात कर लो फोन पे। हेलो, हाय रेशमा जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मेरी काम वाली है, बहुत चीची करती है, इसके पर छिपकली गिर गई, मैं चुप बैठूंगी। तो ऐसा क्या कुछ बोल दिया? ऐसा क्या? सुनो, शर्म करो खुद। अब शाम को ये ध्यान रखना, शाम को ऐसे नौटंकी और गवार पना मत दिखा देना। अच्छी, वो ऑफिसर है, ऑफिसर रेंज की है, ठीक है? क्यों? एक बार कहने पे आ रही है, शाम को चाय और पकौड़े बुला रहे हो, चुप चुप से मेरा दिमाग मत खराब। चाय पकौड़े मैं तैयार करके रखूंगी, बुलाना उसे अच्छी तरह लड़कियां। हटो। अरे अरे अरे, ये क्या बात भी जी आई है? बात कर लो रेशमा से, बुला लो शाम को चाय पकौड़े। चाय पकौड़े क्यों? वेल डन, तालियां होनी चाहिए। थप्पड़ यार, ठीक है? मार थप्पड़। दिमाग खराब कर रही है। दिमाग खराब कर दिया। लड़के से बात करेंगे देश में, चाय पकौड़े बना देना शाम को। शर्म नहीं आती तुम? इसमें एक चीज बताओ, शर्म कर रहे हैं चाय पकौड़े खाने के लिए भी, शर्म करेगा? मैं क्या नंगा होके खाऊंगा तो शर्म करूं? तुमने उसको घर पे क्यों बुलाया? तुम्हें क्या काम है? तुम्हें जब वो करवानी नहीं है काम उससे,
पॉलिसी वगैरह लेनी नहीं आया तो तुमने क्यों करवाया? अरे जब वो आएगी और कोई अच्छी लगेगी तो हम ले सकते हैं ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब वो अच्छी लगेगी तब लग। ठीक बताओ, इस टी शर्ट को फाड़ के क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? और मुझे गुस्सा आई तो फिर हैं? कितनी फाड़ दी यार, खीसे में देख के आ गया। पागल आदमी, मेरा पाला पड़ गया। ये भगवान, दिमाग खराब करके। तुम्हारा ही दिमाग खराब होता है यार, हमारा तो दिमाग खराब होता नहीं है। चलो यार मेरे सामने, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है, ठीक है? लो 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 लो, अब ऐसी पहन के रहना रेशमा के सामने। भाई इनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिसी की, ठीक है? इनकी कंडीशन तो कुछ ज्यादा ही खराब है, ठीक है? बड़ा इतना गुस्सा करना सही रहता होगा? इतना इतरा रही है गुस्सा करके, है ना? मैं अभी बुला रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी... ये बच्चा है ना, गजब बेइज्जती है। ये बच्चा हुआ ना, ये मैं फाड़ दूंगी अभी। फाड़ देगी? हाँ बड़ा फाड़ देगी। अबे यार कितना फाड़ेगी कि दिमाग खराब है कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ मैं? अबे यार अब क्या पूरा नंगा दिखाऊंगा क्या अपने आप को, देखना है? यार वीडियो में ऐसा है, बाय करने तो चलो छोड़ो यार। बाय तो तुम कर लेना, ये उल्टे सीधे प्रैंक करते ठीक है, देखोगे दुनिया तुमको नंगा। फालतू बने के उल्टे सीधे प्रैंक करते रहोगे, मेरा मेरे दिमाग में रहता है चाटने के लिए। पूरी पार्टी है हालत खराब यार, आज तो पगले आज अम्बाला प्रैंक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो शब्द ही नहीं मिल रहे कि आज इसने सोचा क्या और किया क्या। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट भी अच्छे अच्छे करना एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय।